रांची की ईडी दफ्तर से एक बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से देखिए, साहेबगंज एसपी नौशाद आलम ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। सिविल ड्रेस में वो हैं और उनके साथ एक सुरक्षाकर्मी है जो उनको ईडी दफ्तर ले जा रहा है। आपको बता दें कि पहले समन पर एसपी नौशाद आलम ईडी दफ्तर नहीं आए थे। पहला समन उनको 10 नवम्बर को किया गया था। 10 नवम्बर को समन करने के बाद 22 नवम्बर को उन्हें ईडी दफ्तर बुलाया गया था, लेकिन वो 22 नवंबर को यहाँ पर हाजिरी नहीं लगाए थे। उन्होंने मुख्यालय से सुझाव को लेकर के, मुख्यालय से आदेश को लेकर के, मंतव्य को लेकर के उन्होंने समय मांगा था ईडी से, और जिसके बाद फिर 23 नवंबर को ईडी का दूसरा समन नौशाद आलम को जाता है। 23 नवंबर के बाद 28 नवंबर को उनको यहाँ पर हाजिर होने को कहा जाता है। 10:05 से 6 मिनट के आसपास साहेबगंज एसपी नौशाद आलम ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि ये पूरा मामला अवैध खनन से जुड़ा है, जो कि साहेबगंज में 1000 करोड़ रुपये में का जो जिस प्रकार अवैध खनन का मामला सामने आया था, जिसमें लगातार ईडी शिकंजा कस रही है। इस मामले में पंकज मिश्रा कहें, बच्चू यादव कहें, ये सभी जो हैं अभी सलाखों के पीछे हैं। आपको बता दें कि विजय हांसदा जो कि मुख्य गवाह है, नौशाद आलम पर आरोप है कि मुख्य गवाह विजय हांसदा को प्रभावित करने को लेकर के, उनको गवाही से मुकरवाने को लेकर के उनको उन पर उन्होंने दबाव बनाया था, जिसे लेकर के कई साक्ष्य ईडी को मिले हैं। ईडी को यह भी पता चला है कि नौशाद आलम ने मुख्य गवाह विजय हांसदा के टिकट कराए थे दिल्ली आने जाने को लेकर के, जो कि टिकट जो है रांची से दिल्ली का हुआ था। व्हाट्सएप चैट भी जो है वो मिले हैं ईडी को, और जिस आधार पर नौशाद आलम को ईडी ने समन भेजा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो नौशाद आलम जब जब जहाँ जहाँ जिन उनकी पोस्टिंग रही, जहाँ जहाँ वो अधिकारी के तौर पर काम किए, जिस प्रकार उन्होंने संपत्ति अर्जित की, उस संपत्ति की भी ईडी जाँच कर रही है। आय से अधिक संपत्ति मामले में नौशाद आलम के खिलाफ जो है मामला दर्ज कराया गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कई और मामले हैं जो नौशाद आलम के खिलाफ दर्ज कराए गए हैं, चाहे वो अवैध बालू तस्करी की बात करें या फिर जमीन पर अवैध कब्जा दिलाने की बात हो। जब नौशाद आलम रांची के ग्रामीण एसपी रह चुके थे तो उस समय जो है इस प्रकार के मामले सामने आए थे, जिसके बाद जो है ये तमाम जो चीज़ें हैं वो निकलकर सामने आई थी। तो अभी फिलहाल इसी ईडी दफ्तर में नौशाद आलम से पूछताछ हो रही है। अब देखना है कि नौशाद आलम ईडी के सवालों का कितना सामना कर पाते हैं, ईडी के सवालों से वो कितना उनको संतुष्ट कर पाते हैं, और जाहिर सी बात है कि नौशाद आलम की पूछताछ से कई बड़े चेहरे जो है वो सामने आएंगे, तो इंतजार करना होगा। नौशाद आलम इस फिलहाल ईडी दफ्तर में उनसे पूछताछ हो रही है, और पूछताछ में क्या कुछ बातें निकल कर आती हैं, इसके लिए आप सबों को इंतजार करना होगा। द फॉलोअप के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि वो तमाम तस्वीरें नौशाद आलम से रिलेटेड जो है वो हम आप तक पहुंचाएं। फिलहाल ईडी दफ्तर नौशाद आलम पहुंच चुके हैं, उनसे ईडी पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद क्या कुछ बातें सामने आती है वो भी हम आपको बताएंगे। शुक्रिया। www.thefollowup.in thefollowup.in like share and subscribe www.thefollowup.in